मैं हूँ नीला और यह है मेरा जादुई पेट मॉर्फल, जो मेरे बोलने से कुछ भी बन सकता है। शहर में ये नहीं चलेगा। इसे अपने बस में कर लो जॉन। हमारे पीछे आओ। यस सर। मॉर्फल, जल्दी से एक बड़ा सा रोबोट बन जाओ। लॉरेंस और जो को शहर को बर्बाद करने से रोको मॉर्फल। नहीं मॉर्फल, शहर को बर्बाद करने में मदद करो। ओ, जो हुकुम मेरे आका। ओ, नहीं मॉर्फल शैतान बन गया। मजा आ गया। क्योंकि इस हिप्नोटाइज करने वाली मशीन की वजह से हर कोई वही करेगा जैसा हम चाहेंगे। जल्दी से उन बदमाशों के पीछे चलिए, उन्होंने मॉर्फल को हिप्नोटाइज कर लिया है। हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं जब मॉर्फल ही तुम्हारी बात नहीं मान रहा। ओके, चलो अपना काम शुरू करते हैं। उम्मीद है काम बन जाएगा स्टैन। मॉम, यहाँ दो लोग आए हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल नकार बेटे हो। तुम्हारे लिए मेरे पास इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं। तुम बदमाश हो तो मैं तुम बदमाशों की माँ हूँ। बताओ इन्हें, बताओ इन्हें। आपके बेटे जितने महान बुरे लोग मैंने अपने शहर में पहले कभी नहीं देखे मैडम। ये सच में पक्के वाले बुरे लोग हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी सच में बुरे बन पाएंगे। देखो मेरे घर ये पुलिस भी ले आए। जितना तुम दोनों के बारे में सोचा था, तुम दोनों उससे कहीं ज्यादा कम बुरे हो। पर... माम, कह दो कि हम दोनों बहुत बुरे हैं। हाँ, हमसे कहो कि तुम्हें हम पे नाज है। बस अब ये सब बंद करो। क्यों बंद करे? तुम एक छोटी सी लड़की अपने उस लाल डब्बे के बिना कुछ नहीं हो। सब मिलकर पकड़ लो इन्हें। ये सब लोग तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? इन्हें हिप्नोटाइज किया है तुमने? तुम लोगों से जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते, बल्कि जब उन्हें तुम्हारी बात सही लगेगी तो अपने आप मानेंगे। और हाँ, शहर को तोड़ने के जुर्म में तुम दोनों अब जाओगे जेल। मेरे बेटों को जेल ले जाया जा रहा है? हाँ मॉम, हम तो अक्सर जेल जाते ही रहते हैं। ओ मेरे बच्चे, तुम दोनों सच में बहुत बुरे हो। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। तुमने कुछ सुना स्टैन? मैंने सुना जॉन, मैंने सुन लिया। ये लो, शहर बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। आओ चलो बच्चों, अब सोने का टाइम हो गया है। नहीं डैडी, हमें अभी सोने नहीं जाना है। और आपको तब ही किसी की बात माननी चाहिए जब आपको वो अच्छी लगे। बिल्कुल सही है, पर बच्चे वही करते हैं जैसा उनके डैडी कहते हैं। सिर्फ डैडी और मम्मी और स्कूल टीचर और जैसे पुलिस ऑफिसर
और दादी और दादा और भी। ओ नहीं, मेरा प्यारा हैट चला गया। मिस्टर मेयर, आखिर बात क्या है? ओ मिला, बहुत बुरा हुआ। मैं अपने इस खूबसूरत शहर में अपने काम के बारे में सोचता हुआ घूम रहा था कि तभी किसी ने कहीं से आकर मेरा हैट चुरा लिया। चिंता मत कीजिए मिस्टर मेयर, वो हैट हम लेकर आएंगे। मोफुल, एक जासूसी डॉगी बन जाओ। वहीं पर रुक जाओ, मैंने देखा है वो हैट किसने चुराया है। तुमने चुराया है। मैंने? मोफुल ने? चलो देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो तुम यहाँ हो? चोर कहीं के? मेरा कुत्ता मुझे वापस करो। आपका मतलब है मोफुल ने उसे चुराया है? मोफुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, मैंने अभी अभी एक बर्थडे केक खरीदा था, तभी मोफुल कहीं से आया और मुझसे छीन कर भाग गया। आप लोगों को पूरा यकीन है कि वो मोफुल ही था? ठीक है ठीक है, मोफुल गुनहगार है, मेरे शहर में ये नहीं चलेगा। मुझे तुम्हें इसी वक्त पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा मोफुल। नहीं, रुक जाइए, उसने कुछ नहीं किया है। मिलो। लगता है वो सब चले गए। जॉन, तुम बाहर आ सकते हो। वो सब यही सोचते हैं कि उनकी चीजें मोफुल ने चुराई है। क्या खूब चकमा दिया है हमने सबको। हाँ, चलो और सामान चुराते हैं। मोफुल गुनहगार नहीं है। चिंता मत करो मोफुल, मैं तुम्हें मासूम साबित करके रहूंगी। नहीं, मुझे मेरे सेब वापस करो। तो सारी चीजें इन बदमाशों ने चुराई हैं। यकीन नहीं होता, मोफुल मेरे सारे सेब चुरा कर ले गया। चिंता मत कीजिए सर, हम मोफुल को पहले ही पकड़ चुके हैं। पर ये चोरी तो बिल्कुल अभी हुई है। इसीलिए तो मुझे सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ये काम मोफुल ने नहीं किया, बदमाशों ने किया है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। बस बस, बहुत हुआ मिला, तुम हर चीज का इल्जाम हमेशा बदमाशों पर नहीं डाल सकती हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मोफुल, मुझे पता है ये सब किसने किया। उन बदमाशों ने सारी चीजें चुराई है, पर कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। मेरा बदमाशों को पकड़ लेगी। पर तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर सकती मोफुल। मोफुल नहीं आ सकता, मोफुल जेल में है। पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम अभी मुझे सुन सकते हो मोफुल? मोफुल सुन रहा है, पर जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? मेरे औजार मुझे वापस दो मोफुल। कोई मुसीबत में है, नीचे चलो मोफुल। चिंता मत कीजिए जो, हम उसे पकड़ लेंगे। ये क्या, एक और मोफुल? और तेज मोफुल, हम उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। वो बहुत तेज आ रही है इस टाइम, वो हमें पकड़ लेगी। वो भी देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं। थोड़ा धीरे मोफुल। तुम्हारी रफ्तार कुछ कम नहीं हो गई? मोफुल, जल्दी से मुड़ जाओ। एक बार और। हमने उन्हें पकड़ लिया मोफुल। Yeah!
चुप रहना जॉन। तुम जेल से बाहर कैसे आ गए मॉफल? देख रहा हूँ तुम चुराई हुई सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये मॉफल नहीं है, ये बदमाशों का काम है। क्या? कुछ समझा नहीं। ये मॉफल नहीं है। यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। बाहर ही आ जाते हैं, तुमने हमें पकड़ लिया। शायद मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। मुझे माफ कर दो मॉफल, मैंने तुम पर शक किया। ये सच है कि तुम गुनहगार नहीं हो, और तुम लोगों ने इस काम में पुलिस की जो मदद की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए पुलिस ऑफिसर बनाता हूँ। मॉफल बनने का नाटक मजेदार था, है ना स्टाइन? हाँ बिल्कुल था, जहाज बनकर उड़ने वाला आइडिया जॉन है। नहीं, तुम्हारा वो कार बनने वाला आइडिया। मॉर्फल चलो पानी में खेलते हैं, तुम एक शार्क बन जाओ। शार्क! डरो मत, ये हमारा मॉर्फल है, और मॉर्फल तो सबका दोस्त है। हाँ, ये सच है। ओ नहीं, मीला, मॉर्फल, वो पायरेट्स फिर से हमारे रेत के घरों को तोड़ रहे हैं। चलो उन्हें रोकते हैं मॉर्फल, हम उन्हें इतना जोर से डराते हैं कि वो और लोगों को परेशान करना भूल जाएंगे। हाँ, मॉर्फल बनेगा डराने वाली शार्क। हाँ, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, ये एक शार्क ही तो है। हम हैं समुद्री लुटेरे, इसलिए हम शार्क से नहीं डरते। शार्क कभी भी जमीन पर नहीं आ सकते। वो तुम अभी देख लोगे। मॉर्फल, एक ऐसी शार्क बन जाओ जिसके पैर हो। इस शार्क के तो पैर भी हैं। ओ नहीं, भागो मेरे लुटेरे साथी नंबर दो। आसमानी लुटेरे, हम जमीन पर भी किसी से नहीं डरते। हथियार निकालो। अभी लाया कैप्टन। चलो उनका पीछा करें मॉफल। ये क्या? मजा आ रहा है। ये सब बंद करो आसमानी लुटेरो। नीचे से तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस अजीब सी पैरों वाली शार्क के साथ। मॉर्फल अजीब है? मॉर्फल अजीब नहीं है, और वो तुम्हें पकड़ सकता है क्योंकि वो उड़ सकता है। क्या? मॉर्फल, एक उड़ने वाली शार्क बन जाओ। ये तो उड़ रही है, मुझे डर लग रहा है। ओ नहीं, शिप को और ऊपर ले चलो जल्दी। अरे मेरा मतलब ले जाता हूँ। हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। हाँ। पानी, ये सब क्या है? और इसी वजह से हमारा शहर। पानी के गुब्बारे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उन्हें नहीं हरा सकते। चलो हम चलकर उस गुफा में छिप जाते हैं। आइडिया अच्छा है, पर ये गुफा कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। वो लुटेरे जरूर इस गुफा में गए होंगे। उन
अंदर नहीं जा सकते। सही कहा तुमने, वो जहाज हमारा रास्ता रोक रहा है, पर मेरे पास एक आइडिया है। शायद हम फंस गए हैं कैप्टन। हाँ, पर वो लाल शार्क हम तक नहीं पहुंच पाएगी, देखना। आपको यकीन है? वही लाल शार्क, उसकी नाक पर ड्रिल मशीन लगी है। हमने तुम्हें पकड़ लिया आसमानी लुटेरों, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम हमें कहाँ ले जाओगे? पुलिस स्टेशन में? नहीं, बीच पर। वो सारे रेत के घर जो तुमने तोड़े हैं, उन सबको बनाना होगा। ओ नहीं, बनाना होगा, पर मुझे तो सिर्फ उन्हें तोड़ना आता है। प्रोफेसर रशीद की टाइम मशीन के साथ अब हमें रोक पाना नामुमकिन है। हमें इन्हें रोकना होगा मॉर्फल, एक डायनासोर सुपर हीरो बन जाओ। नुकसान नहीं कर पाओगे। ये क्या हुआ? हमारे प्लान में तो ये सब बिल्कुल नहीं था। अच्छे मीला और मॉर्फल, चलो अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और इन सबको हिस्ट्री से पहले की दुनिया में पहुंचा देते हैं। जल्दी करो, उन डायनासोर को वहां से हटाना होगा। शायद तुम एक डायनासोर को भूल गए थे। ओ नहीं, मॉर्फल। जल्दी लैब में चलो, हमें पता लगाना है कि वो कहाँ गया। ये कहाँ फंस गया? हिलना मत मॉर्फल। अब पता चल जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सुनो मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, सोच कर कितनी हंसी आती है कि एक दिन तुम बड़े और डरावने हो जाओगे। इस मशीन से जो हमने प्रोफेसर रशीद से चुराई है, इससे हम इन जानवरों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। Hey!
आज जू में बहुत मजा आने वाला है मॉर्फल। हाँ। मिला मॉर्फल, वो बदमाश जानवरों को एक मशीन से बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ओ नहीं, हमें उनसे वो मशीन वापस लानी होगी। मॉर्फल एक सुपर हीरो में बदल जाओ। चोरों, वो मशीन हमें वापस करो। वो तो नहीं हो सकता। जॉन, इन पर भी जादू करो। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम वापस जरूर आएंगे। बहुत अच्छे, चलो सब जानवरों को उनके असली रूप में वापस लाते हैं। वो देखो, वो रहा पेंगुइन। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। शेर, अब तुम्हारी बारी। हाय मंकी, चलो तुम्हें पहले जैसा बना देते हैं। नहीं, तुम लोग तो बहुत छोटे हो गए हो, पर तुम अब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाय मेरे दोस्तों, क्या आप हमारे साथ समय के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? हम सब मिलकर डायनासोर के जमाने में जाएंगे। डायनासोर, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स होंगे और हम उन सब की जांच करेंगे। वो उड़ते भी हैं। हम पहुँच गए डायनासोर्स के जमाने में। देखो, वो तो वेलोसिराप्टर्स हैं। वेलोसिराप्टर्स छोटे पर खतरनाक डायनासोर हैं। ओह, बाल बाल बच्चे, ओह गड़बड़ हो जाती। शुक्रिया मॉर्फल। मॉर्फल, जल्दी से एक गैलिमाइमस बन जाओ। वाओ, गैलिमाइमस दूसरे डायनासोर से काफी तेज दौड़ता है। बहुत अच्छे मॉर्फल। वहाँ पर देखो,
उनका नाम अर्जेंटिनोसॉरस है। वो बहुत बड़े हैं, पर सिर्फ पौधे और पेड़ खाते हैं। अरे नहीं, हमें उस अंडे को बचाना होगा मॉर्फ। तुम अब एक टेरेनोडॉन बन जाओ। तुमने कर दिखाया मॉर्फ। अब हमें इस अंडे की माँ को ढूंढना होगा। ये किसी अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे जैसा नहीं लग रहा। नहीं, देखिए, अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे वैसे दिखते हैं। चलो खोज जारी रखो। एक ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स के सिर पर तीन नुकीले सींग होते हैं। कितना प्यारा है, पर देखो हमारा अंडा उनके अंडों से अलग है, है ना? तो ये अंडा ट्राइसेरोटॉप्स का अंडा नहीं है, मजेदार है। अरे, एक असली टेरानोडॉन, और वो हमें अपने अंडों से दूर करना चाहती है। हमारा अंडा टेरेनोडॉन के अंडों जैसा नहीं दिख रहा है। चलो जल्दी से उड़ चलें। वो दोनों अंकिलोसॉरसस हैं। वो अपनी पूंछ से किसी भी चीज को बड़ी जोर से मार सकते हैं। टूटे हुए अंडे को देखो, हमारा अंडा उससे भी अलग है। देखो, एक मगरमच्छ। हाँ, डायनासोर्स के जमाने में मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? मगरमच्छ लाखों सालों से इस धरती पर जी रहे हैं, और वो डायनासोर्स के जमाने में भी जिंदा थे। वाह, पर देखिए, हमारा अंडा मगरमच्छ के अंडों से भी अलग दिख रहा है। ओह, शायद हम इस अंडे की माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, एक स्पाइनोसॉरस। वो हमें खाना चाहती है, भागो! मॉर्फ, तुम एक टीरेक्स बन जाओ। एक स्पाइनोसॉर टीरेक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नहीं लगता कि उसे हमें खाना है, पर फिर उसे क्या चाहिए? समझ गई, उसे ये अंडा चाहिए। ये स्पाइनोसॉर इस अंडे की माँ है। ओह, हम बच गए। तुमने अच्छा काम किया मिला।